हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस, राष्ट्रभाषा भाग 8 पार्ट 17, समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। सभी बच्चों को पता है कि जीवन में समय का कितना महत्व है। अगर समय का महत्व नहीं होगा, अगर आप समय का महत्व नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए पढ़ते हैं समय का महत्व। प्रस्तुत पाठ में जो हमारा ये पाठ आ रहा है, इसमें समय की महत्ता यानी कि समय के महत्व को स्पष्ट किया गया है। समय पर काम न करें तो पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। अगर हमने कोई काम समय पर नहीं किया तो क्या होगा, केवल और केवल हमें पछतावा होगा कि अरे काश हमने ये काम पहले कर लिया होता। हाथ मलते रह जाने के सिवा कुछ भी नहीं बचता जब समय निकल जाता है। समय तो मुट्ठी की रेत की तरीके से, जैसे मुट्ठी में रेत आती है और वो ऐसे करते हैं तो वो रेत निकल जाती है, फिसल जाती है, पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया और हमने तो ये काम किया ही नहीं, समय ही निकल गया। सभी मनुष्य समय पर अपना काम समाप्त कर ले या उस किसान की तरह आलस करे जिसने उपजाऊ मिट्टी में क्या करा, जो मिट्टी बहुत उपजाऊ हुई उसमें फसल उगाई और उसकी फसल बिल्कुल सोने की तरह लहलहाने लगी, बिल्कुल तैयार हो गई पककर, और लेकिन तैयार फसल को काटने के बदले वो आलस कर गया। उसने कहा अरे कल काट लेंगे, आज नहीं काटते, और फसल बिल्कुल पक कर खड़ी हुई है। और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि सारी फसल क्या हुआ, पक्षियों ने खत्म कर दी, काट डाली उसकी फसल। और बहुत दुखी मन लेकर वो क्या हो गया, किसान अब पछता रहा है कि मैंने ये फसल समय पर क्यों नहीं काटी, अगर मैं उसी समय काट लेता। लेकिन अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए कहते हैं ना बच्चों कि अब उसने क्या किया कि उसकी फसल जो बिल्कुल तैयार थी और उसको आलस आ गया, उसने कहा मैं अभी काट लूंगा, इतने में क्या हुआ, पक्षियों ने सारी फसल काट दी, तो उसकी फसल बेकार हो गई। अब वो पछता रहा है लेकिन समय चला गया, समय के महत्व को उसने नहीं समझा और अब वो पछता रहा है। कबीर ने एक दोहे में बिल्कुल ये कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है उसे बिल्कुल अभी कर लो, क्योंकि एक पल में भी प्रलय आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर कब करोगे, जब समय निकल जाएगा तब कब करोगे। इसलिए जो काम अभी कल करना है वो आज कर लो और जो आज करना है वो अभी कर लो। आलस करके उस काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को समय के महत्व के बारे में नहीं पता बच्चों, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। समय के महत्व को समझो और समय का सदुपयोग करते हुए उसको कार्य को करते चलो। सचमुच में समय पल भर में ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, फिर हम पछताते रहते हैं। कई बार हम कई जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को टालने का प्रयास करते हैं। अब ये किसान पछता रहा है, ये कह रहा है कि अरे मैंने ये काम कब कर लिया था, उसकी जो फसल है सारी पक्षियों ने खत्म कर डाली। तो जब परेशानी अपने चरम पर पहुंचती है, जब हमारे को बहुत परेशानी आने लगती है, किंतु तब तक इतना वक्त ही नहीं बचता, अब तो हमारा समय निकल गया ना, परेशानी चरम सीमा पर पहुंच गई, हम उस काम को कर सके अब तो उतना वक्त ही नहीं बचा है, अब क्या होगा करने से। कई बार हम सारी पढ़ाई परीक्षा के पहले दिन के लिए, अधिकतर ऐसा होता है बच्चों की जब एग्जाम आते हैं तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं हम एग्जाम से पहले दिन ही तैयारी करेंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन क्या होता है, अगर उस समय पर बीमारी आ गई या उस समय पर आपको कोई एक ऐसा आवश्यक कार्य हो गया कि आपको जाना पड़ गया या कोई आके घर आ गया, तो आप क्या करोगे उसको, तब आपको बड़ा दुख होगा, अरे हमने पहले तैयार कर लिया होता, पढ़ाई कर ली होती। तो आपको एग्जाम से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, ना कि उसको उस समय के लिए छोड़ देना चाहिए कि एग्जाम से पहले दिन आप तैयारी करें। इसलिए कबीर की शिक्षा मानकर कि जो कबीर दास जी ने कहा है कि जो पल करना है वो आज ही कर डालो, बल्कि अधिकतर लोगों की यही सोच होती है कि जब समय सामने आएगा तभी उस काम को करेंगे, बिल्कुल ही जब विपत्ति आ जाएगी तभी उस काम को करने की सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से कुछ साधारण प्रश्न भी किए जाए तो वे उनका कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे, वो निरुत्तर हो जाएंगे। जब हमें भूख लगती है बच्चों, तो एक बात बताइए, तो हम क्या उसके बाद खाना बनाना, जब भूख लग रही है खाना हमने उसके बाद बनाना शुरू किया जाता है, या भोजन की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है। जब हमें खाने की भूख लगी है तभी हम सोचेंगे कि अब हम आटा लाएं कि दाल लाएं कि चावल लाएं, या हमने ये व्यवस्था पहले ही कर रखी है घर में कि सब सामान होगा
अब दिन में टाइम हो रहा है खाने बनाने का, शाम को टाइम हो रहा है, या जब भी हमें भूख लगी है तो हमें खाने की व्यवस्था हमारे पास अगर है तो हम बना सकते हैं ना खाना। ये नहीं कि अब हमें भूख लग रही है अब तो हम दाल लेने जाएंगे, अब तो हम आटा लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। क्या जब हमें चोट लगती है, चोट लगने के बाद दवा खरीदने बाजार की ओर हम भागते हैं, या घर में पहले से ही कोई दवा रखते हैं कि जिससे कि अचानक आने वाली परिस्थिति में प्राथमिक उपचार हो सके। घर में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए कि छोटी मोटी बीमारी अगर ऐसी कोई होती है तो बिल्कुल वो उस समय पर एकदम से, अरे डिटॉल नहीं है, अरे हमारे पास कोई ऐसा ऑइंटमेंट नहीं है, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एकदम से ही हम एक उसको लेने भागेंगे तो फिर वो बहुत परेशानी हो जाती है। बिजली जब चली जाती है बच्चों तो मोमबत्ती या टॉर्च की व्यवस्था करने के लिए हम भागते हैं, या इस प्रकार की सुविधा हमारे घरों में पहले से ही होती है, घर में रखते हैं ना कि भाई टॉर्च भी होनी चाहिए, मोमबत्ती भी होनी चाहिए। अब तो इन्वर्टर का जमाना आ गया है, लाइट जाती है तो इन्वर्टर, लेकिन इन्वर्टर के लिए भी व्यवस्था तो पहले ही देखनी पड़ती है ना कि इन्वर्टर अगर है तो उसके अंदर बैटरी चार्ज है कि नहीं है, सही चल रहा है कि नहीं, या लाइट चली जाए तो हम एकदम बैठ जाएंगे ऐसे ही, अब अंधेरा हो गया अब हम क्या कर सकते हैं। व्यवस्था तो पहले ही करनी पड़ती है ना हर चीज की। प्यास लगने पर कुआ तो नहीं खोदते हम कि जब प्यास लग रही है तभी हम उस कुएं को खोदेंगे, है ना। जब पहले ही तो जब प्यास लग रही है तो कुआ तो पहले ही खुदा हुआ है तभी तो हम कुएं के पास जाएंगे पानी पीने के लिए। और समय रहते ही अपनी सुविधा और आवश्यकता की व्यवस्था हर व्यक्ति करता है और करनी भी चाहिए। यहाँ तक कि जीव जंतु भी समय रहते हुए अपनी सुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं, पशु पक्षी भी सब अपनी व्यवस्था पहले करते हैं। चींटी वर्षा से पहले क्या करती है, ढेर सारा भोजन जो है वो अपने बिल में वो जमा कर लेती है, चाहे उसके लिए लगातार क्यों ना उसको मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो बारिश आने से पहले अपना सारी व्यवस्था कर लेती है। पक्षी अंडा देने से पहले ही अपना क्या कर लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं। फिर हम क्यों नहीं ऐसा करते, फिर इंसान को क्या परेशानी है, मानव क्यों नहीं करता। समय के साथ तालमेल बैठाना ही बुद्धिमानी है, उसी में ही बुद्धिमानी है। हमें ये सोचना होगा कि हम समय को किस प्रकार हमें बांध लेना चाहिए। समय को बांध सकने का क्या अर्थ है बच्चों, समय की कद्र करना, समय के महत्व को समझना, समय पर हमें काम कर लेना चाहिए। मनुष्य ने सभ्यता के आरंभ होने के साथ साथ समय की कीमत भी पहचानी थी और उसका महत्व जानकर समय के साथ साथ चलने की कोशिश भी की। मनुष्य ने सूरज के उदय होने की और अस्त होने के समय को बांधने के लिए घड़ी की खोज की, घड़ी की खोज की उन्होंने, और पूरे साल चलने वाले समय के चक्र को कैलेंडर का, कैलेंडर की खोज की फिर, है ना, और उसमें बांधने की कोशिश की कि जो घड़ी है उसके अनुसार उन्होंने कैलेंडर में उसको बना दिया कि ये वाले इस महीने में ये डेट है, इसमें ये चलेगा, कैलेंडर बना दिया गया। और हम समय को बांध तो नहीं सकते बिल्कुल भी, लेकिन समय के साथ चल तो सकते हैं, इतना तो जरूरी है कि हमें समय के साथ, कोई भी समय को नहीं बांध सका, पर हमें समय के साथ चलना होगा, समय के महत्व को समझना होगा। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे बच्चों तो कैसे काम चलेगा, और हमारे पास हाथ मलते रह जाने के सिवा, पछतावे के सिवा फिर कुछ हासिल नहीं होगा। जब समय निकल जाएगा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, केवल और केवल पछतावा हासिल होगा। समय के साथ चलने के लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है बच्चों, हमें अनुशासन का पालन करना होगा। किसी अन्य उदाहरण को ढूंढने के बदले यदि हम अपने आसपास ही देखें तो प्रकृति अनुशासन का सबसे उत्तम उदाहरण है। प्रकृति को ही देख लो आप, सूरज नियमित रूप से नियम से निकलता है, उदय भी होता है और अस्त भी होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित समय पर निश्चित गति से घूमती है कि नहीं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा निश्चित अवधि में निश्चित समय में पूरी कर लेता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा निश्चित अवधि में जो समय निश्चित है समय उतने ही समय में वो पूरी कर लेता है। मौसम का निश्चित समय होता है कि इस समय में ये वाला मौसम है, होता है ना कि सर्दियां नवंबर दिसंबर में ही, सब निश्चित होता है पहले से ही। ज्वार भाटा निश्चित अवधि में आते हैं। प्रकाश की किरणें निश्चित गति से चलती हैं, है ना। ध्वनि की रफ्तार भी निश्चित है, पर हम ये समझते हैं कि हम आजाद देश के निवासी हैं इसलिए हमें सब कुछ करने की आजादी है। हम आजाद हैं, हमें सब कुछ करने की आजादी है, जैसे मनचाहा काम करने की आजादी, मनचाही बातें करने की आजादी, मटर गश्ती यानी कि मौज मस्ती करने की आजादी, जी भरकर आलस करने की आजादी, और बातों को टालते रहने की, हर बात को टालना, बस टालना, क्योंकि समय के महत्व को नहीं समझते, हर बात को टालते रहते, उसकी आजादी।
एक थे टालू मास्टर, उनका नाम ही टालू मास्टर था। वो क्या करते थे, हर काम को टालते रहते थे, मना करते रहते थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति एक संदेश लेकर आया। वो मास्टर जी उससे कहते थे कल आना कल आना कल आना, ऐसे कर करके वो उसको रोज टालते रहे। सो कल तो कभी आना ही नहीं था, आया ही नहीं कल। और बाद में टालू मास्टर को पता चला कि वो संदेश उसकी जो पद की उन्नति यानी कि उसका प्रमोशन हो रहा था उसके लिए आ रहा था, लेकिन और उसके लिए उनको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। पर अब क्या हो सकता था, वो तो उसको टाल रहे थे बार बार कल आना, और वो जो समय निकल गया अब वो पछताने के सिवा क्या हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हो सका। और टालू मास्टर की जो प्रवृत्ति थी, उनका जो नेचर था, उनका जो स्वभाव था, वो यही था। और उन्होंने उस संदेशवाहक को रोज ये कहकर टाल दिया कि कल आना, और जो उनका पद उन्नति होनी थी, उनका जो प्रमोशन होना था, जिसके लिए इंटरव्यू था, वो उनका रह गया। अब कोई चारा ही नहीं था उनका कि वो पछतावे के सिवा और कुछ कर सके। हम मनुष्य होकर यदि समय के अनुरूप अपने को अनुशासित नहीं करेंगे तो हमारे समझदार होने का कोई फायदा नहीं है। हमें समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना सीखना पड़ेगा। हाथ की पहली उंगली प्रतिमा की तरह हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना होगा, अपना उद्देश्य, अपना जो एम है हमारा, उसे निश्चित करना पड़ेगा। वे सारे काम जो हम करना चाहते हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी होगी, जिससे कि आसानी होगी। हमें बीच की लंबी उंगली मध्यमा की तरह यानी कि अपनी सूची में अपनी प्राथमिकता, किस चीज की पहले प्राथमिकता है, प्रायोरिटी हम किसे देना चाह रहे हैं, वो करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारी सूची में लिखित हो, लेकिन अगर हमारे मन में भी अपने लक्ष्यों की सूची बना सकते हैं, मन में भी बना सकते हैं अपने लक्ष्यों की सूची, हम लिस्ट बना सकते हैं। अनामिका उंगली की तरह वे सारे काम जो बिल्कुल अवास्तविक हैं और जिनके तुरंत पूरा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपनी सूची से बिल्कुल हटा दें, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे अनामिका उंगली की बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो अगर ऐसा कोई काम है अनावश्यक है उसको अपनी सूची में से हटा दे, जो आवश्यक है उस काम को ही करें। सबसे महत्वपूर्ण कुछ लक्ष्यों को चुने और छोटी उंगली कनिष्ठा की तरह अपने मंसूबों को वैसे ही दृढ़ बनाकर काम करें जैसे कृष्ण जी ने अपनी दृढ़ता से छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। एक यही उंगली थी जिस पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ऐसे हमें भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कण की उंगली तरह अपने लक्ष्यों को दृढ़ इरादे अपने मजबूत करने होंगे। अंगूठे की सहायता से उंगलियां वस्तुओं को पकड़ने का काम करती हैं। जब हम उंगलियों से अंगूठे तभी तो हम पकड़ पाते हैं ना, अंगूठा हटा देंगे तो ये पकड़ नहीं पाएंगे ना उंगलियां। तो मन पक्का करके निश्चित समय के पहले ही हमें अपना पूरा काम पूरा कर समय को अपनी मुट्ठी में हमें जकड़ लेना चाहिए। हम मनुष्य हैं और हमारे पास सोचने की बहुत सारी शक्ति है, इतनी बहुमूल्य शक्ति है जो औरों के पास नहीं है, जो हमारे पास है। यदि हम चाहें तो समय का कुशलता के साथ प्रयोग करके हम उसका बुद्धिमान कछुए की तरह होड़ भी ले सकते हैं। कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुनी है, क्या थी खरगोश और कछुए की दौड़, तो आपने पता ही है आपको। उसने खरगोश ने सोकर समय गंवाया और वहीं पर कछुआ जो उसने क्या किया, उसने बिना समय को व्यर्थ किए हुए कछुआ क्या करता गया, दौड़ता चला गया और उसको क्या हुआ, जीत गई। खरगोश क्या सोचता रहा, मैं तो एकदम भाग जाऊंगा, और वो एक जगह पर जाकर क्या हुआ, सो गया आराम से। लेकिन कछुआ ने सोचा मुझे निरंतर चलते रहना है। वो चलता रहा और क्या हुआ, कितनी धीमी चाल होती है उसकी, फिर भी वो, और खरगोश कितना तेज चलता है, फिर भी कछुआ जीत गया, क्योंकि उसने ये सोचा था मुझे चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। और तेज गति से भाग सकने वाले खरगोश ने समय गंवाने के कारण हार हुई उसकी। और उस घटना के बहुत समय बाद की बात है, उसके बाद की बात नहीं पता बच्चों आपको, कछुए खरगोश की दौड़ फिर से आयोजित की गई। इस बार खरगोश को जीतने का पूरा इरादा था, उसने सोचा था मैं बिल्कुल पक्का जीतूंगा और मैं किसी भी तरह से समय नष्ट नहीं करने का वाला था। कछुआ भी ये जानता था कि इस बार खरगोश को किसी युक्ति से ही हराया जा सकता है, वरना ये खरगोश हारने वाला नहीं है। उसने एक छोटी सी शर्त रखी कि इस बार हम लोग पहाड़ी के ऊपर न जाकर ऊपर से नीचे ढलान की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, उसने कैसी बढ़िया युक्ति निकाली कि इस बार हम यूं न जाकर पहाड़ी से नीचे ढलान की तरफ दौड़ेंगे। खरगोश को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी, और वो ढलान वाले मार्ग में भी उसकी गति हर हालत में कछुए से तेज होगी, ये तो उसको पता ही था। निश्चित समय पर कछुए खरगोश की दूसरी दौड़ हुई। खरगोश ने यह देखकर दांतों तले उंगली दबा ली कि इस बार कछुआ और भी तेजी से दौड़ा और फिर से दौड़ में विजय हो गया। कैसे हुआ वो विजय,
क्योंकि कछुए ने अपने पैरों में क्या करा, पहिए वाले क्या लगा लिए, स्केट्स पहन ली थी, पहिए वाली स्केट्स पहन ली थी और वो इस बार और भी तेज आ गया था। यदि हमें समय के साथ दौड़ना है, वक्त के पहिए पहनने पड़े तो जरूर पहनने चाहिए बच्चों, क्योंकि हमारे पास दिमाग भी है ना, और जिसका हमें पूरा इस्तेमाल करना है अपने दिमाग का, क्योंकि कछुए ने भी दिमाग से काम लिया और उसने क्या करा, अपने पैरों में स्केट्स लगा लिए। वक्त के पहिए तो अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करके हमें ढूंढने ही पड़ेंगे, जैसे कछुए ने ढूंढे ऐसे हमें भी वक्त के पहियों को ढूंढना पड़ेगा। इस प्रयोग में हमें अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना होगा, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपसी होड़ की दौड़ में अनुचित साधनों का प्रयोग हमें मनुष्य की श्रेणी से नीचे कर देगा। तो हमें इस प्रकार बच्चों बुद्धि से काम लेते हुए, समय के महत्व को समझते हुए कार्य करना है और हमें पीछे नहीं रहना है, आगे ही रहना है, लेकिन हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है। और हम जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, ऐसे ही हम अपने लक्ष्य निर्धारित करके अपने कार्य करते चले, समय के महत्व को समझें और हर कार्य आने वाले कल के लिए ना छोड़ें। जो काम कल करना है वो आज कर लें, जो आज करना है वो अब कर लें, क्योंकि अगर हमने काम छोड़ दिया कल के ऊपर तो फिर वैसे ही पछतावा होगा, जैसे किसान ने लहलाती फसल को ये छोड़कर कि फिर काटूंगा और पक्षियों ने उसकी सारी फसल नष्ट कर दी। समझ में आया बच्चों? तो समय के महत्व को समझते हुए कार्य करना चाहिए, काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं। क्या आप समय के महत्व को समझते हैं? कैसे और क्यों समझते हैं आप समय के महत्व को? बिल्कुल समझते हैं। कि समय के महत्व को नहीं समझा तो हम जिंदगी की दौड़ में बिल्कुल पीछे रह जाएंगे और पछतावे के सिवा हमें कुछ हासिल नहीं होगा, यही है ना। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें समय के महत्व के बारे में और क्यों, ये भी सब पाठ से पढ़कर या अपनी भी बुद्धि से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। हम अक्सर कब भयभीत हो जाते हैं कि जब हम कोई काम करने वाले होते हैं और हम उसको टाल देते हैं और हमें लगता है कि अब वो काम फिर बिगड़ जाता है, तो फिर हम डर जाते हैं कि अरे ये तो हमने पछतावा हमें हाथ लग गया, अब हम भयभीत हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में आपदा के आने पर किन किन परेशानियों के पधारने का जिक्र किया गया है? जब परेशानियां आती हैं तो कौन कौन सी, जब विपत्ति आती है तो कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, ये सब आपने पाठ में पढ़ा, तो वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। समय पर काम पूरा नहीं करने वालों का क्या परिणाम होता है? जो व्यक्ति समय पर काम पूरा नहीं करते हैं वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। जैसे कि खरगोश को ये घमंड हो गया था कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, और कछुए खरगोश की दौड़ में उस क्या हुआ कि उसका परिणाम क्या हुआ उसका, कि वो सो गया कि ये तो धीरे धीरे चलेगा और मैं तो एक बारी में उठ के भाग लूंगा, लेकिन कछुआ निरंतर गति से चलता रहा, वो रुका नहीं, उसका लक्ष्य निर्धारित था और वो जीत रेस में जीत गया। परिणाम क्या होते हैं? परिणाम यही होते हैं जैसे किसान का भी आपने सुना है ना, और अपने टालूराम मास्टर जी का भी सुना कि उन्होंने क्या करा कि उनके पास बार बार संदेश वहां आ रहा था, वो संदेश लेकर जिसमें कि उनकी पदोन्नति होनी थी, लेकिन क्या हुआ कि उसको टालते रहे कलाना, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो परिणाम ये हुआ कि उनका जो साक्षात्कार था, जो उनका इंटरव्यू था, वो नहीं हो पाया और उन्होंने उसको टालने की वजह से उस काम में वो पीछे रह गए। बाद में हमें क्या हासिल होता है? पछतावा, केवल और केवल पछतावा मिलता है और हमें कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों इस पाठ में अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है, हमें निशान लगाना है। जैसे सारी फसल किसने साफ कर डाली? विकल्प चार है, पक्षियों ने या कि पड़ोसियों ने या किसान ने या गाय ने। किसने कर डाली? पक्षियों ने। तो फर्स्ट पर हम इसको सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, डैश ने एक दोहे में सारी बात कह दी। किसने कह दी थी? किसान ने, पक्षी ने या कबीर ने या सूरदास ने? कबीर ने एक ही दोहे में सारी बात कह दी थी, तो हम थर्ड पर यहाँ निशान लगा देंगे। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करे को कब। नेक्स्ट, कल पर टाला जा रहा काम कब करना चाहिए? परसों, आज, कल या इनमें से कोई? बताइए, काल करे सो आज कर, तो आज पर हम निशान लगाएंगे, सेकंड पर हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, पक्षी अंडा देने से पहले ही अपना डैश बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं?
मकान बना लेते हैं या गुफा बना लेते हैं या कि घोंसला बना लेते हैं या बिल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? घोंसला बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम थर्ड नंबर पर निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। पाठ की नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। ये आपको कार्य बच्चों गृह कार्य में अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छ लेख के साथ ये कार्य करना है। इसमें देख के कि आप कौन सा शब्द यहाँ पर सुटेबल रहेगा, उचित रहेगा, उसी शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना समय के महत्व के बारे में कि समय कितना महत्वपूर्ण है, और जब समय निकल जाता है और हमें फिर हम वो काम कर नहीं पाते हैं तो फिर हमें पछतावे के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता है ना बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।